चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इस आयोग के बारे में और इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे, इससे संबंधित उप समितियों और वायु की गुणवत्ता पर विचार करेंगे, अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह चर्चा में क्यों है? भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक वायु गुणवत्ता आयोग का गठन करने और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। इस आयोग का उद्देश्य दिल्ली समेत पूरे NCR में प्रदूषण को नियंत्रित करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और आसपास के क्षेत्र अध्यादेश 2020 केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में यह कहे जाने के बाद आया है कि वह इस तरह की कवायद कर रही है। आयोग के बारे में, अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे। आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सदस्य शामिल होंगे। साथ ही इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य भी शामिल होंगे। इस आयोग के कार्य क्या होंगे? यह NCR में वायु गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए शिकायतों पर विचार करने, निर्देश जारी करने के लिए उपाय करेगा। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषक के निर्वहन या उत्सर्जन के लिए मापदंडों को निर्धारित करेगा। यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक में अनुसंधान, बेहतर समन्वय, पहचान और समस्याओं के समाधान पर काम करेगा। इसके पास किसी भी परिसर का निरीक्षण करने, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने और बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने का आदेश जारी करने का भी अधिकार होगा। वायु प्रदूषण से जुड़े किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयोग लगा सकता है। यह आयोग वायु प्रदूषण को लेकर 3 व्यापक क्षेत्रों पर नजर रखेगा। ये 3 क्षेत्र वायु प्रदूषण की निगरानी, कानूनों को लागू कराना और रिसर्च एवं नए प्रयोगों से जुड़े होंगे। अब बात करते हैं इस आयोग से संबंधित उप समितियों के बारे में। आयोग 3 अलग अलग क्षेत्रों की समीक्षा और जांच के लिए उप समितियों की स्थापना करेगा। इन उप समितियों में निगरानी और पहचान पर उप समिति, सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप समिति, अनुसंधान और विकास पर उप समिति शामिल है। एक नजर वायु की गुणवत्ता पर। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने वायु गुणवत्ता आयोग का गठन करने और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। कथन 2, इस आयोग में कुल 15 सदस्य होंगे। कथन 3, यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा। उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।
Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.